हेलो फ्रेंड्स, आज हम दिवाली स्पेशल पांच अलग रेसिपीज़ बनाने जा रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा आसान है। वीडियो शुरू करने से पहले हेलो फ्रेंड्स, मैं सुप्रिया सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ इजी किचन हैक्स में। अगर ये वीडियो आपको पूरी देखने के बाद पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा ऐसी बहुत सी वीडियोज़ देखने के लिए। चलिए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे यहाँ पे मेथी पारे। जी हाँ, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और यम्मी बनता है ये मेथी के पारे। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है एक कप मेथी। इसे अच्छी तरीके से धोकर बारीक काट लेना है। जी हाँ, एकदम बारीक काटिएगा। और एक पैन में एक चम्मच तेल डाल के हम इसे अच्छी तरीके से भूनेंगे। इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं बचना चाहिए, तब तक हमें भूनना है। भूनने में 2 मिनट लगेंगे। यहाँ पे मैंने ले लिया है 2 कप मैदा। इसमें डालेंगे 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच अजवाइन, स्वाद के अनुसार नमक, लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा हल्दी डालेंगे, इससे कलर अच्छा आएगा। और यहाँ पे मैंने ले लिया है घी। इसमें हम 3 से 4 चम्मच घी डालेंगे। मोयम आप जितना अच्छा देंगे उतने ज़्यादा क्रिस्पी और खस्ता बन करके ये तैयार होते हैं। तो अब घी डालने के बाद हमें इसे अच्छी तरीके से मैदे के कण कण में घी को पहुंचाना है। तो उसके लिए हमें इसे अच्छी तरीके से मलना होगा। मैं 2 चम्मच घी यहाँ पे और डाल रही हूँ और इसे हम रब करते रहेंगे 2 से 3 मिनट तक। अच्छे से जब आप मसलते रहेंगे तो कुछ ऐसा हो जाएगा मैदा, और इस तरीके से बंधना चाहिए। इस तरीके से बंधे तो मतलब मोयम सही है। अब यहाँ पे हम डाल देंगे मेथी और इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और हार्ड डो, कड़क डो बना करके हमें तैयार करना है। बहुत ज़्यादा गीला नहीं होना चाहिए हमारा आटा, थोड़ा सा कड़क होना चाहिए। 10 मिनट के लिए रेस्ट पे रख देंगे। यहाँ पे मैंने ले लिया है कॉर्नफ्लावर और इसमें हम डालेंगे 2 से 3 चम्मच घी। इसका हमें एक पेस्ट बना लेना है जो कि हमें आगे रेसिपी में काम आएगी। तो ये देखिए कुछ इस तरीके का। यहाँ पे 10 मिनट हो गए हैं तो हम इसे एक बार और अच्छे से मसल लेते हैं और इसकी छोटी छोटी लोइयाँ बना लेंगे। 2 लोइयों को ढक के रख देंगे और 1 लोई को अच्छे से मसल के हम इसे बेल लेंगे। यहाँ पे आपको तेल या मैदा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सूखा आटा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ऑलरेडी हमने आटे को कड़क गूथा हुआ है। तो ये देखिए जितना पतला हो सकता है उतना पतला मैं इसे बेल करके तैयार कर ले रही हूँ, क्योंकि मैदा है ना, तो जब हम इसे पतला बेलते हैं उसके बाद भी ये सिकुड़ के थोड़े से मोटे हो जाते हैं। इस तरीके से बेल लेना है। और अब जो पेस्ट हमने बनाया था कॉर्नफ्लावर और घी का, उसे अच्छी तरीके से इसके ऊपर फैला लें और इस तरीके से इसे अच्छे से फोल्ड कर लेंगे चौकोन बना करके। इसे पतला सा बेल करके फिर से तैयार कर लेंगे। एकदम पतला बेलिएगा, इससे बहुत ही अच्छे बन करके ये तैयार होते हैं। वापस से हम इसके ऊपर लगा देंगे पेस्ट और इसे वापस से एक बार हम अच्छे से फोल्ड कर लेंगे। तो आप देख लीजिए मैं कैसे फोल्ड कर रही हूँ, बिल्कुल उसी तरीके से आपको भी करना है। इसे थोड़ा सा बेल देंगे, थोड़ा सा पतला कर देंगे। इसे बनाने के 2 तरीके मैं आपको बताने वाली हूँ, तो आपको जो भी आसान लगे उस तरीके से आप बना सकते हैं। पहला तरीका तो यही है कि आपको इसी तरीके से करके इसे पतला पतला काट लेना है, बिल्कुल ऐसे। तो ये देखिए यहाँ पे ये बिल्कुल तैयार है। अब दूसरा मेथड भी आप देख लीजिए, आपको जो भी आसान लगे आप वैसे बनाइएगा। तो मैंने इसे पतला सा रोल कर लिया है और उसके बाद ये पेस्ट हम इसके ऊपर लगा लेंगे। और अब इसे चौकोन नहीं करना है, इसे रोल कर लेना है बिल्कुल ऐसे। और इसे छोटा छोटा सा हम कट कर लेंगे। आप जितना पतला बनाना चाहते हैं उतना छोटा कट कर सकते हैं इसे। देखिए इस तरीके से होने के बाद इसे अच्छे से दबा देंगे। अब आप चाहें तो इसे थोड़ा सा बेल भी सकते हैं, पर मैंने पतली पतली लोइयां काटी थी तो मैं इसे बस हाथों से दबा दे रही हूँ। और बिल्कुल इसी तरीके से हम सारे ही तैयार कर लेंगे। ये 2 तरीके से आप इस मठरी को बना सकते हैं। तेल यहाँ पे हमारा मीडियम गरम होना चाहिए, बहुत ज़्यादा तेज गरम नहीं होना चाहिए। मीडियम गरम तेल पर हम इसे लो फ्लेम पर फ्राई करेंगे। इसे फ्राई करने में आपको आराम से
12 से 13 मिनट का टाइम लग जाएगा। जी हाँ, क्योंकि इसे हमें करना है क्रिस्पी, लो फ्लेम पर ही क्रिस्पी कर पाएंगे आप इसे। अगर हाई फ्लेम पर आप इसे फ्राई करेंगे तो इसमें बस कलर आ जाएगा, ये क्रिस्पी नहीं होंगे। तो देखिए गोल्डन कलर आ गया है, अब इसे हम निकाल लेते हैं। जब आप इसे निकाल लेंगे उसके बाद ही, थोड़े टाइम के बाद जब ये ठंडा हो जाएगा तब ये ज़्यादा क्रिस्पी लगते हैं, अगर आप इसे गरम गरम खाएंगे तो उतना ज़्यादा क्रिस्पी नहीं लगेंगे। तो ये देखिए इसी तरीके से हम बाकी सारे भी फ्राई कर लेते हैं, और ये वाले भी मैं आपको दिखाती हूँ कि कितने अच्छे से लेयर्स इसकी खुली हैं। तो ये देखिए, जो भी आपको आसान लगे उस तरीके से आप इसे बना सकते हैं, बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और टेस्टी बन करके ये तैयार होते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये कितने ज़्यादा क्रिस्पी बने हैं, अभी काफ़ी गर्म है, ठंडा होने के बाद ये और क्रिस्पी हो जाते हैं। अब यहाँ पे हम बनाएंगे नेक्स्ट रेसिपी। यहाँ पे मैंने ले लिया है मैदा 1 कप, इसमें डाल देंगे लाल मिर्ची पाउडर, थोड़ा सा हल्दी डाल देंगे कलर के लिए, 1 चम्मच जीरा डालेंगे इसमें, और 1 चम्मच अजवाइन डालना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमक डालेंगे स्वाद के अनुसार, और यहाँ पे ले लिया है घी, 3 चम्मच घी मैं इसमें डाल रही हूँ, और इसे अच्छी तरीके से मिक्स करना है। 2 से 3 मिनट लगेगा, लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट है ये स्टेप, तो आप मिक्स अच्छे से करिएगा और रब करिएगा। तो मैदा जो है हमारा कुछ इस तरीके का हो जाएगा इसे मोयम देने के बाद। अब सबसे इम्पॉर्टेंट, इसे इस तरीके से बांध करके देखिए, जब पूरा बंध रहा है तब हमारा मोयम सही है, अगर पूरा ना बंधे खुल रहा है तो थोड़ा सा घी आप और डालिएगा। तो ये देखिए हमारा आटा यहाँ पे गूंथ करके तैयार है, और इसे 10 मिनट के रेस्ट देने के बाद वापस एक बार हम अच्छे से गूंथ लेंगे। अब इसमें से हमें छोटी छोटी लोइयाँ कट करनी हैं, तो ये देखिए मैंने 2 बड़ी लोइयाँ कट कर ली है, और इसे हम पतला सा रोल कर लेंगे। रोटी से थोड़ा सा मोटा होना चाहिए और पराठे से थोड़ा पतला, क्योंकि मैदा है ना, जब हम इसे रोल करते हैं पतला सा तो उठाने के बाद ये थोड़े से सिकुड़ के मोटे हो जाते हैं, तो इसलिए पतला सा रोल कर लीजिए। बहुत ज़्यादा आसान है इसे बनाना, आप इसे सिर्फ 15 मिनट में बना करके तैयार कर सकते हैं, और बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है ये खाने में, ये चाय के साथ। तो ये देखिए कुछ ऐसा रोल कर लेना है। अब इसे मैंने एक थाली पर रख लिया है ताकि इसे उठाने में आसानी हो। इस तरीके से पतला पतला हम इसे काट लेंगे, और दूसरी साइड से भी ऐसे ही काट लेंगे। आप इसकी शेप अगर चेंज करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं, पर मैं इसे स्क्वायर शेप में बना रही हूँ। जो किनारे हैं जिनकी शेप अच्छी नहीं है उसे आप बिगाड़ करके वापस बना सकते हैं। तो ये देखिए थाली पर मैंने इसलिए काटा था ताकि इसे उठाने में हमें आसानी हो। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने पूरे बना लिए हैं, अब इसे हमें करना है फ्राई। यहाँ पे तेल हमारा मीडियम गर्म होना चाहिए, बहुत ज़्यादा गर्म तेल का इस्तेमाल हमें नहीं करना है, और गैस की फ्लेम को इसे फ्राई करते समय बिल्कुल लो रखना है। स्टार्टिंग में डालते ही तुरंत बिल्कुल नहीं चलाना है, 1 मिनट तक जब सेट हो जाए उसके बाद ही हमें चलाना है, बहुत ज़्यादा इसे नहीं चलाना है, बीच बीच में एकाध बार आप बस चला दीजिएगा। तो ये देखिए जब एकदम क्रिस्पी हो जाए, इसे क्रिस्पी होने में 10 मिनट आराम से लग जाते हैं, तो ये बन करके तैयार है। बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं ये, और बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं खाने में। तो इस दिवाली पे आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। अगली रेसिपी बनाने के लिए यहाँ पर हमने ले लिया है 2 कप मैदा ले लिया है, और उसमें 1/4 हिस्सा रवा डालेंगे, बारीक वाली सूजी आती है ना वही डालेंगे। नमक डाल देंगे स्वाद के अनुसार, और इसमें मोयम देना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आपको कोई भी चीज़ क्रिस्पी क्रंची और खस्ता बनानी है तो घी का मोयम ज़रूर देना है। 4 से 5 चम्मच यहाँ पे मैंने मोयम दे दिया है, और उसके बाद इसे अच्छी तरीके से रब करेंगे, इसे रब करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब इसमें पानी डालेंगे, कड़क आटा गूंथ करके हम तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे हमारा आटा गूंथ करके तैयार है, अब इसे हम रख देंगे 10 मिनट के लिए ताकि सूजी फूल जाए। 10 मिनट के बाद इसे एक बार और अच्छे से मसल लेंगे हम। और इसे बेल लेंगे, तो इस तरीके से हम इसे रोल कर लेंगे। 1/2 इंच मोटा आप रखिएगा, बहुत ज़्यादा पतला इसे नहीं बेलना है।
और ये देखिए इसके शक्कर पारे हम बनाने वाले हैं, इसलिए इसे बहुत ज़्यादा नहीं बेलना है। तो इस तरीके से कट कर लेंगे हम इसे। तो ये देखिए इस तरीके से हमने इसे कट कर लिया है, किनारे निकाल देंगे और इसी तरीके से पूरा तैयार कर लेंगे। यहाँ पे मीडियम तेल गरम है और तेल में हम इसे डाल देंगे। इसे हमने थोड़ा सा मोटा मोटा कट किया है, इसलिए इसे क्रिस्पी होने में ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इसे फ्राई होने में आराम से 14 से 15 मिनट का टाइम लग जाएगा और लो फ्लेम पर ही आपको इसे फ्राई करना है, हाई या मीडियम फ्लेम पर नहीं करना है। जब ये एकदम क्रिस्पी हो जाए इसे निकाल लेंगे। जब ये गर्म रहते हैं तो थोड़ा सा नरम लगता है, लेकिन ठंडा होने के बाद ये अपने आप ही क्रिस्पी हो जाते हैं। तो देखिए आप कितना ज़्यादा क्रिस्पी है ये। अब यहाँ पे एक कढ़ाई में हम डालेंगे शक्कर। शक्कर आप अपने स्वाद के अनुसार भी डाल सकते हैं। जितना शक्कर हमने डाला है उतना ही हमें पानी डालना है, और इसमें मैंने फ्लेवर के लिए इलायची का इस्तेमाल किया है। इसे हम 5 मिनट के लिए बॉईल कर लेंगे। इसमें हमें किसी तार की ज़रूरत नहीं है, तार नहीं लाना है। सिर्फ थोड़ा सा 5 मिनट के लिए बॉईल करेंगे और थोड़ा सा स्टिकी हो जाए, चिपचिपा सा हो जाए, तो बस यहाँ पे हम ये पारे डाल देंगे। और अब गैस की फ्लेम को हाई रखेंगे और इसे पकाएंगे। ये जो हमने पारे बनाए हैं इसमें शक्कर को अच्छे से सोक होने देंगे, और जब 2 से 3 मिनट के लिए आप इसे हाई फ्लेम पर पकाएंगे तो ये देखिए ये बिल्कुल इस तरीके से बन करके तैयार हो जाएंगे। ये शक्कर पारे खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, बिल्कुल खाजा जैसे, बहुत ही क्रिस्पी, क्रंची और मीठे मीठे टेस्टी लगते हैं। तो आप इसे ज़रूर बनाइएगा। नेक्स्ट रेसिपी के लिए यहाँ पे मैंने ले लिया है 2 कप मैदा, और इसमें डालेंगे 1/4 हिस्सा सूजी का, मतलब जितना मैदा लिया है उसका 1/4 हिस्सा। अब यहाँ पे पिसी हुई चीनी डाल रही हूँ मैं, तो 1/4 हिस्सा जितना मैदा लिया है उसका 1/4 हिस्सा हमने चीनी भी डाला है। थोड़ा सा नमक डालेंगे, अजवाइन डालेंगे, और घी डालना तो बिल्कुल नहीं भूलेंगे क्योंकि हमें लगाना है मोयम। अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे, अच्छे से रब करके मिक्स करना है क्योंकि मोयम देना अच्छी तरीके से बहुत ज़रूरी है, वरना ये रेसिपी उतनी क्रिस्पी और क्रंची नहीं बनेगी। तो इसे 1 से 2 मिनट के लिए हम अच्छे से रब करेंगे और आप खुद देखेंगे कि इसका टेक्सचर बदल जाता है। अब यहाँ पे मैंने ले लिया है दूध, ये बॉईल किया हुआ नॉर्मल टेम्परेचर पे आया हुआ दूध है, और इसी से हम इसका आटा गूंथ करके तैयार करेंगे। तो ये देखिए हमारा आटा बिल्कुल तैयार है, अभी इसमें शेप नहीं है, कोई बात नहीं, इसे 10 मिनट के लिए हम ढक करके रख देंगे ताकि जो सूजी डाली है वो अच्छे से सेट हो जाए। 10 मिनट के बाद हम इसे एक बार और अच्छी तरीके से मसल लेंगे। ये वाले शक्कर पारे बनाना तो बहुत ज़्यादा आसान है और खाने में बहुत ही ज़्यादा क्रंची और खस्ता है, तो आप इस दिवाली पे इस आसान सी 15 मिनट में बनने वाली रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। इसे हम बेल लेंगे और थोड़ा सा मोटा बेलना है हमें, 1 इंच तक मोटा हम इसे बेल करके तैयार करेंगे। ये देखिए 1 इंच तक मोटा है ये, और इसे मैंने स्क्वायर शेप में काट लिया है, जो थोड़े से क्रैक्स थे उसे निकाल दिया है। यहाँ पे ले लेंगे एक छोटे साइज़ का ढक्कन और इस तरीके से हमें कट करना है। तो इससे क्या होगा, काजू की शेप में हमारी जो शेप्स हैं वो निकलेंगे और ये दिखने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं और खाने में भी बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। तो बस इसी तरीके से सभी को काट करके हम तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे सारे ही कट करके तैयार है इस शेप में, और यहाँ पे हमारा तेल मीडियम गरम होना चाहिए। तो 1 डाल करके मैंने चेक किया है, बहुत ज़्यादा एक साथ नहीं डालेंगे, मैंने आधा डाला है और आधा हम बाद में फ्राई करेंगे। तो बस डालते ही इसे स्टर नहीं करना है, 1-2 मिनट तक वेट करिए, उसके बाद इसे थोड़ा सा चला दीजिए, एक चम्मच की हेल्प से चलाइएगा, तेल को हिलाइएगा और चीज़ों को नहीं। जब इस तरीके से हल्का ब्राउन कलर आ जाए तब हम इसे निकाल लेंगे। इसे फ्राई होने में आराम से 15 मिनट का टाइम लग जाएगा क्योंकि ये थोड़े से मोटे थे ना, तो इसे क्रंची होने में टाइम लगता है। इसी तरीके से हम पूरा फ्राई करके तैयार कर लेंगे, और ये देखिए हमारे
काजू शेप के शक्करपारे बनकर के बिल्कुल तैयार है। बहुत ज्यादा खस्ता और क्रंची है ये खाने में बहुत टेस्टी लगता है, ये देखिए आप देख सकते हैं। तो चलिए अब हम बनाएंगे नेक्स्ट रेसिपी। यहाँ पे मैंने ले लिया है 2 कप बेसन और 1 कप शक्कर। शक्कर ये खड़ी वाली है, इसे हम अभी पीस लेंगे। और घी का इस्तेमाल मैं कर रही हूँ, 5 से 6 चम्मच घी यहाँ पे मैंने डाल दिया है। घी के मेल्ट होते ही इसमें हम डाल देंगे 2 कप बेसन। ये घर पे जो पकौड़ियाँ बनाते हैं ना, वही वाली बेसन है। वैसे तो लड्डू के लिए जो दरदरी सी बेसन आती है उसका इस्तेमाल होता है, पर फिलहाल मेरे पास नहीं है। तो इसी से दरदरा टेस्ट भी आए और इसे परफेक्ट बेसन के लड्डू कैसे बनाएं, वही आज मैं बता रही हूँ। तो अब इस बेसन को हमें कम से कम आधे घंटे के लिए भूनना है। गैस की फ्लेम को मीडियम टू लो रखना है आपको और इसे हम आधे घंटे के लिए भूनेंगे। इसमें जो गुठलियाँ हैं वो भी तोड़ते रहें। ये देखिए 15 से 20 मिनट तक भुनने के बाद इसका टेक्सचर कुछ ऐसा हो जाएगा और इसमें से गुठलियाँ भी निकल गई है। अभी इसे हमें 15-20 मिनट और भूनना है। शक्कर को यहाँ पे मैंने पीस लिया है, एकदम पेस्ट पाउडर नहीं बनाना है। थोड़ा सा दरदरा सा रखिएगा, तभी बेसन के लड्डू अच्छे बन करके तैयार होंगे। तो अब यहाँ पे 2-3 चम्मच घी में और डाल रही हूँ और इसे हम 5 मिनट के लिए और भूनेंगे। बिल्कुल अच्छे से भुन गया है, बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है, कलर भी बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है। तो बस अब गैस की फ्लेम को बंद करते हैं, इसे ठंडा होने देंगे। पूरा ठंडा हो जाए उसके बाद इसमें आपको शक्कर डालना है, पहले नहीं डालना है, नहीं तो शक्कर मेल्ट हो जाएगी गर्मी की वजह से और उसके बाद फिर ये लिक्विड बन जाएगा। तो ये देखिए घी जो है थोड़ा सा जम गया है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अभी जब हम इसे अपनी हथेली में लेकर अच्छे से रब करेंगे ना, तो घी जो है हाथों की गर्मी से पिघल जाती है। तो जी हाँ, अभी जम गई है इसलिए कुछ ऐसा दिख रहा है। शक्कर मैंने इसमें डाल दिया है अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, आप थोड़ा सा कम या ज़्यादा भी डाल सकते हैं। और अभी इस वक्त आप खा करके देख भी सकते हैं, अगर शक्कर आपको थोड़ा सा कम लगे तो आप इसमें और शक्कर डाल सकते हैं। तो थोड़ा सा शक्कर मैं और डाल रही हूँ और इस बात का आपको ध्यान देना है कि शक्कर दरदरी सी पीसिएगा, पाउडर नहीं बनाना है, तभी बेसन के लड्डू खाने में मज़ा आएगा, नहीं तो फिर उतना मज़ा नहीं आएगा। तो ये देखिए बिल्कुल इस तरीके का ये बन चुका है। अब इसके लड्डू बना सकते हैं हम आसानी से और यहाँ पे हमारे बेसन के लड्डू बन करके बिल्कुल तैयार हैं। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और यम्मी बनता है, बनाना भी बहुत ज़्यादा आसान है। तो इस बेसन की लड्डू को आप इस दिवाली में ज़रूर ट्राई करिएगा। 5ों ही रेसिपी बहुत ज़्यादा आसान है, इस दिवाली पे आप ज़रूर ट्राई करिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।